हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर फिफ्थ सो इन दिस लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू मटेरियल वेरिएंसेस बट वी विल बी आल्सो कवरिंग टू इंपॉर्टेंट वेरिएंसेस नाउ व्हिच इज द पार्ट रिलेटेड टू योर एमकॉम एंड दैट विल बी मटीरियल मिक्स वेरियंस एंड मटीरियल ईल्ड वेरियंस तो मटीरियल मिक्स वेरियंट्स और मटीरियल ईल्ड वेरियंस भी इस वीडियो में हम सीखेंगे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और बाकी के आपके जो वेरियंसेस है वो पहले जितने थे वो तो आने ही वाले हैं टीवाई स्टूडेंट दैन ओनली तीन वेरियंसेस आपको इस वीडियो में से ध्यान देने हैं एक है हमारा मटीरियल प्राइस दूसरा है मटेरियल यूसेज और तीसरा है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस और अगर आप एम कॉम के स्टूडेंट हो तो आपको स जितने भी वेरियंसेस हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे सारे के सारे के ऊपर ध्यान देना है बिकॉज आपके सिलेबस में दो वेरियंसेज एक्स्ट्रा है मटेरियल मिक्स वेरियंस एंड मटीरियल इल्ड वेरियंस तो देखते है आज का क्वेश्चन ताकि थोड़ा सा मैटर उसका कवरअप हो जाए स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर हंड्रेड के जी ऑफ केमिकल डी तो कितने के जी का हंड्रेड के जी ऑफ केमिकल डी इज मेडअप ऑफ केमिकल ए थर्टी के जी जिसका प्राइस है आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस सबका दिया है फोर फाइव सिक्स फिर अ बैच ऑफ फाइव हंड्रेड अ बैच ऑफ फाइव हंड्रेड के जी ऑफ केमिकल डी वॉज प्रोड्यूस फ्रॉम द मिक्स ऑफ केमिकल ए वन फोर्टी के जी कॉस्ट ऑफ फाइट फाइव एटी एट तो ध्यान से यहाँ पे हमको फाइव हंड्रेड के जी का इंफॉर्मेशन है और ऊपर हमारे पास हंड्रेड के जी का इंफॉर्मेशन है अब हम चेक कर लेते हैं कि हमें कितने के जी के इंफॉर्मेशन पे कैलकुलेशन करना है सो केमिकल ए दिस इज द एक्चुअल डिटेल्स तो ये हमारे पास एक्चुअल डिटेल्स है और ये जो ऊपर दिया हुआ है ये हमारे पास स्टैंडर्ड है उधर तो दिया ही है दिस इज द स्टैंडर्ड केमिकल ए वन फोर्टी फाइव एटी एट का कॉस्ट है तो ध्यान से देखो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो दिस इज नॉट द एक्चुअल प्राइस ये कॉस्ट दिया है तो आपको क्या करना है काफ़ी सिंपल है फाइव एटी एट को अगर हम वन फोर्टी से डिवाइड करेंगे रिपीट फाइव एटी एट को वन फोर्टी से डिवाइड करेंगे तो आपको एक्चुअल प्राइस आएगी फाइव एटी एट डिवाइडेड बाई वन फोर्टी तो आपको एक्चुअल प्राइस आ जाएगी इसकी एक्चुअल प्राइस रहेगी फोर पॉइंट टू 1056 को अगर 220 से डिवाइड करेंगे तो आपको इस सेकंड वाले की एक्चुअल प्राइस आएगी दिस विल बी 4.8 2860 को अगर 440 से डिवाइड करेंगे तो आपको एक्चुअल प्राइस आएगी दिस विल बी 6.5 सो सिंस एक्चुअल प्राइस वाज नॉट डायरेक्टली गिवन सो वी हैव कैलकुलेटेड द एक्चुअल प्राइस इन द क्वेश्चन ध्यान से याद रखना एक्चुअल प्राइस हमने सॉल्व किया अब तो आगे पढ़ते हैं काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है हाउ डू द यील्ड mix and price factors contribute to the variance in the actual cost per 100 kg matlab मतलब hame 100 kg ka hi solve karna hai aur hame diya bhi 100 kg ka hi hai काफी important concept हमको दिया है 100 kg जी का सॉल्व भी 100 kg जी का करना है लेकिन ये जो बैच का इंफॉर्मेशन है ये 500 kg के जी का है एक्चुअल जो है वो पांच सौ के जी का है तो अभी इस क्वेश्चन में कुछ नया कंसेप्ट सीखेंगे कि एक्चुअल क्वांटिटी को ही कन्वर्ट कर लेंगे यूजुअली क्या होता है हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं बट इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी हंड्रेड के जी का ही इंफॉर्मेशन चाहिए और हंड्रेड के जी का दिया हुआ है बट हमको एक्चुअल के जी जो है वो फाइव हंड्रेड के जी दिया हुआ है तो उसको अभी हम कैलकुलेट करके लिखेंगे ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल ए का है फोर मटेरियल बी का है फाइव मटेरियल सी का है एक्चुअल प्राइस हमने अभी सॉल्व किया था एक्चुअल प्राइस फोर पॉइंट टू फोर पॉइंट एट सिक्स पॉइंट फाइव एक्चुअल प्राइस कितना है फोर पॉइंट टू एक्चुअल प्राइस इज फोर पॉइंट टू फिर हमने कैलकुलेट किया था फोर पॉइंट एट एंड देन वी कैलकुलेटेड सिक्स पॉइंट फाइव अब एक्चुअल क्वांटिटी काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ध्यान से समझना देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं देखो फाइव हंड्रेड के जी के लिए केमिकल ए कितना लग रहा है वन फोर्टी ठीक है तो अभी इक्वेशन ध्यान से समझना काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है देखो फर्स्ट के लिए फाइव हंड्रेड के लिए कितना लग रहा है 140 फोर्टी का लग रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं हम बिकॉज हमको हंड्रेड के का चाहिए हंड्रेड के लिए कितना लगेगा क्रॉस मल्टीप्लाई हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई वन फोर्टी डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी फर्स्ट वाले के लिए आ जाएगी क्योंकि तो फर्स्ट वाले के लिए कैसे सॉल्व करनी है हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई वन फोर्टी डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड तो एक्चुअल क्वांटिटी विल बी ट्वेंटी एट सिमिलर आपको सेकेंड का भी सॉल्व करना है सेकेंड का देख लेते हैं सेकेंड का कितना है टू ट्वेंटी है थर्ड का फोर फोर्टी है वैसे इक्वेशन इक्वेशन सेम है इक्वेशन आपको सेम सॉल्व करनी है इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ फाइव हंड्रेड के लिए टू ट्वेंटी हंड्रेड के जी के लिए अमच क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सेकेंड वाले के लिए आंसर आ जाएगा फोर्टी फोर थर्ड का फोर फोर्टी है फाइव हंड्रेड के लिए फोर फोर्टी हंड्रेड के लिए हाउ मच इसके लिए थर्ड के लिए आ जाएगा एटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम हमेशा ढूंढते हैं इस क्वेश्चन में डायरेक्टली देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर ध्यान से देखे तो दिया हुआ ही है हंड्रेड के के लिए थर्टी फोर्टी एटी तो दैट ओनली वी आर गोइंग टू सब्सटीट्यूट नाउ स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर फर्स्ट इज थर्टी फॉर सेकेंड इज फोर्टी and for the C is 80. so very important question, part of this question is in every question we are calculating the standard quantity but is question mein humne actual quantity solve kiya hai कैसे हमने actual quantity को solve किया और क्यों हमने actual quantity को solve किया because actual quantity 500 kg का information दिया था और हमें सिर्फ 100 kg का ही information चाहिए और standard quantity already आपको standard में 100 kg का ही दिया था अभी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रहता है तो तीन बार सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था ए मटीरियल बी मटीरियल सी मटीरियल ए का करते हैं फिर बी का करेंगे सी का करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे टोटल करेंगे तो स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस में अभी सब्सिट्यूट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड प्राइस इज फोर एक्चुअल प्राइस हमने कितना ढूंढा था फोर पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई एक्चुअल क्वांटिटी फर्स्ट के लिए कितना आया था ट्वेंटी एट ठीक है सेकेंड वाले के लिए स्टैंडर्ड प्राइस बी के लिए देख लेते हैं बी के लिए स्टैंडर्ड प्राइस फाइव फिर फोर पॉइंट एट और फोर्टी फोर सब्स्टिट्यूट करते फिर बी के लिए कितना आया था फाइ माइनस फोर पॉइंट एट 44 फोर्टी फोर फिर सी के लिए कितना था सिक्स माइनस सिक्स पॉइंट फाइव इंटू एटी एट ठीक है तो इसका अभी सॉल्व करते हैं फोर माइनस फोर पॉइंट टू इंटू ट्वेंटी एट करेंगे तो यहाँ पे फेवरेबल आएगा एट पॉइंट एट दैट विल बी फेवरेबल सिक्स माइनस सिक्स पॉइंट फाइव इंटू एटी एट करेंगे तो यहाँ पे, तो पे भी एडवर्स आएगा फोर्टी फोर एडवर्स अगर आप ये सभी को एडलेस लेस करोगे ये पॉजिटिव है ये दोनों नेगेटिव है तो 8.8 कैलकुलेटर पे लेके माइनस करो 5.6 माइनस करो 44, यू विल गेट दी एडवर्स आंसर 40.8, दैट विल बी एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी सेम करेंगे ए का ई और सी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था कैलकुलेट नहीं किया था ट्वेंटी थर्टी माइनस ट्वेंटी एट इंटू स्टैंडर्ड प्राइस कितना था फोर ये आ जाएगा थर्टी माइनस ट्वेंटी एट इंटू फोर डेट विल बी एट फेवरेबल फिर बी का सॉल्व करेंगे बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था फोर्टी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया फोर्टी फोर इंटू एक्चुअल प्राइस दैट वाज फाइव दैट विल बिकम ट्वेंटी एडवर्स देन सी का अगर सॉल्व करेंगे तो सी का कितना था सी का हमारा स्टैंडर्ड क्वान्टिटी था एटी माइनस एटी एट मल्टीप्लाइड बाय सिक्स दैट वॉज फोर्टी एट एडवर्स एक फेवरेबल बाकी दो एडवर्स अगर टोटल करोगे टोटल आ जाएगा सिक्सटी एडवर्स

8 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल प्राइस कितना 1.2 क्या कि आ जाएगा 120 माइनस 117.6 द आंसर आ जाएगा थोड़ा दूरी लिखता हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी रहे 2.4 फेवरेबल देन वी विल बी कैलकुलेटिंग फॉर बी बी के लिए सॉल्व करेंगे बी का कितना है 40 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस वॉज फाइव माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना था एक्चुअल क्वांटिटी था फोर्टी फोर टू एक्चुअल एट फोर्टी इन टू फाइव बिकम्स टू हंड्रेड माइनस एंड इलेवन पॉइंट का एंसर आएगा एलेवन पॉइंट टू डेट विल बी एडवर्स बी कैलकुलेटिंग फॉर द सी सी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था एट्टी multiplied by standard price 4 minus actual quantity was 88 multiplied by actual price was 6.5 so 80 into 6 yahan pe 6 hai, 80 into 6 that becomes 480 minus 88 into 6.5 that becomes 572 so that will be एटी में से अगर फाइव सेवेंटी माइनस करे तो 92 टू एडवर्स आ जाएगा इसको टोटल करेंगे यहां पे आपको टोटल मिलेगी टोटल तो विल बी हंड्रेड पॉइंट एट एडवर्स तो दिस वाज सिंपल हमने इतने जो पॉइंट सॉल्व किए हैं दिस इज फॉर दी टीवाई टीवाई में इतने लेवल्स ऑलरेडी थे अगर हम एम कॉम लेवल की बात करेंगे तो हमें और दो वेरिएंसेस एक्स्ट्रा सॉल्व करने हैं ियल मिक्स वेरियंस एंड मटीरियल यूसेज वेरियंस ठीक है अभी ध्यान से समझना मटीरियल मिक्स वेरियंस और मटीरियल यूसेज वेरियंस तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे मैं सॉल्व करवा रहा हूं दैट इज रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो वॉट इज द फॉर्मूला फॉर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ध्यान से टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी ध्यान से अभी थोड़ा सा इसको अलग तरीके से प्रेजेंट करके दिखाता हूं ठीक है अब ध्यान से समझना किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना क्या है फॉर्मूला रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी यह आपके रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फॉर्मूला है जो मैंने आपको वहां पे लिख के ठीक है अभी हम पहले सॉल्व कर लेंगे फिर सब्सटीट्यूट कर लेते ध्यान से यहाँ पे ए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं आरएस क्यू सॉल्व कर लेंगे आरएस क्यूज और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल टू फॉर्मूला है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी ध्यान से देखो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी करना है हमको टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ये चार्ट में आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा देखो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी करना है ट्वेंटी एट प्लस फोर्टी फोर प्लस एटी एट टोटल एक्चुअल क्वांटिटी बन जाएगी वन सिक्सटी आई हेव टेकन द टोटल ट्वेंटी एट प्लस फोर्टी फोर प्लस एटी एट कितना हो जाएगा वन सिक्सटी तो यहां पे लिख लेते एक बार यहां पे लिख लेंगे ट्वेंटी एट प्लस फोर्टी फोर प्लस एटी एट दैट विल बी वन सिक्सटी के जी और टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी करना है दिस इज टी ए क्यू एंड दिस इज टी एस क्यू टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब पहला हमको थर्टी था फिर हमारा था फोर्टी फिर हमारा थर्ड वाला था एटी दैट इज वन फिफ्टी के जी अभी इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे ठीक है देखो सब्सटीट्यूशन पहले मैं ए के लिए कर रहा हूँ ए के लिए आर एस की ढूंढेंगे टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितना टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना वन फिफ्टी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो ए का स्टैंडर्ड क्वान्टी कितना है ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे है अवेलेबल हमारे पास थर्टी तो वन सिक्सटी डिवाइडेड बाई वन फिफ्टी थर्टी दैट विल बी थर्टी टू के जी ये है आपका आर एस क्यूर आर एस स्टैंडर्ड क्वांटिटी सिमिलरली बी का करेंगे मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड का कितना फोर्टी दैट विल बी फोर्टी थ्री के जी टी का करेंगे मल्टीप्लाइड बाय एट्टी दैट विल बी एट्टी फाइव के जी ठीक है ये आने के बाद एक बार ये आ चुका तो फिर काफी इजी है आर एस क्यू फर्स्ट का ढूंढा थर्टी टू माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है ट्वेंटी एट यहाँ से ही ले रहा हूँ ताकि पीछे नहीं देखना पड़ा स्टैंडर्ड प्राइस कितना था स्टैंडर्ड प्राइस था फोर ठीक तो इसका आंसर यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज सिक्सटीन फेवरेबल फिर बी का सॉल्व करेंगे बी का कितना आया फोर्टी थ्री माइनस एक यू एज फोर्टी फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव दैट बिकम्स फाइव एडवर्स टीका कितना आया था एटी फाइव एटी फाइव माइनस एटी एट मल्टीप्लाइड बाई स आपको टोटल करना है सिक्सटीन फेवरेबल सिक्सटीन फेवरेबल माइनस फाइव माइनस एटीन तो यू गेट द आंसर ओवर हियर टोटल एंड द टोटल विल बी सेवन एडवर्स दिस इज देंसर दिस इज लिटिल बिट कैलकुलेटिव बट कैलकुलेशन अगर आपका क्लियर है अगर आपने राइट right सॉल्व कर लिया तो बाकी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस यहाँ पे नहीं होंगे अब हम सॉल्व करेंगे मटीरियल ईल्ड वेरियंट क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें कोई सॉल्व नहीं करना है डायरेक्टली आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या था फर्स्ट के लिए थर्टी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी हमने कैलकुलेट किया थर्टी टू मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितना था फोर आ जाएगा हमें आंसर इसका एट एडवर्स वी विल सॉल्व फॉर बी बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना था फोर्टी माइनस आर एस क्यू है एक बार चेक कर लेते फोर्टी थ्री तो आर एस क्यू वी हैलकुलेटेड नाउ इट्स फोर्टी

लेना माइनस एट माइनस फिफ्टीन माइनस हम ले सकते हैं। तो आपको सॉल्व करने के वक्त ये चीजें ध्यान में रखनी तो मटेरियल मिक्स का कैलकुलेशन सीखा मटेरियल इल्ड का भी हमने कैलकुलेशन सीखा एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है इस क्वेश्चन को ट्राई करें आंसर्स ऑल्सो गिवन बिलो दैट आंसर्स को भी देखें अपने आंसर्स को इसके साथ मैच करें फिर भी कोई क्वेरीज आपको आते हैं तो मुझे चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस वीडियो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय ऑल ऑफ़ यू टेक केयर